कब्रों का सिलसिला तो पता है ना आपको, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं, सबक भी ताजा हो जाएगा, क्योंकि ये सिलसिला अगर मालूम नहीं होगा तो फिर आपके लिए कुरान के दुरूस को समझना बहुत मुश्किल। सबसे पहले कौन से पैगंबर आए? अल्हम्दुलिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम, शुक्र है इतनी नॉलेज है। उसके बाद शीस अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर दरमियान में आते रहे हैं बहुत सारे जो हमें मालूम है, हम उनकी बात कर रहे हैं। फिर नूह अलैहिस्सलाम, ये बहुत पुराने पैगंबर हैं, नूह अलैहिस्सलाम। फिर कदीम पैगंबरों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये भी कदीम पैगंबरों में। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद थी फिलिस्तीन में, अर्ज़े शाम में। ये जो आज का शाम है ये बहुत छोटा है, नबी के दौर में इसकी हुदूद, जैसे नबी के दौर का जो हिंदुस्तान है उसमें सिंध भी था, उसमें पंजाब भी था, बलूचिस्तान भी था, और बर्मा भी था, और उसमें बांग्लादेश भी था, और शायद नेपाल भी था उसमें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक इसहाक, और ये कहां थे? अर्ज़े शाम में, जो बरकत वाली जमीन है, बरकत वाली जमीन। अल्लाह ने इसको बरकत वाली जमीन कहा है सूरह बनी इसराइल में, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो जात जो अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया, जिस मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द का एरिया हमने बरकत वाला रखा है। तो अल्लाह ताला ने उस जगह में बरकत पैदा की, क्यों? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्कन, जिन्होंने अल्लाह के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, बुत परस्ती वाले माहौल में आंखें खोली और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद की। हम देखते हैं जो लोग गैर मुस्लिम हैं अपने वालदैन की वजह से पूरी जिंदगी अपने मजहब को नहीं छोड़ते, तो जहां बाप और मां भी गैर मुस्लिम हो और सारे माहौल बुतों वाला हो, वहां एक नौजवान खड़ा होकर आवाज लगाए कि ये तुम्हारे हाथों के बनाए हुए खुदा हैं, मैं इनके सामने नहीं झुक सकता। लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी खुली हुई गुमराही में पड़े हुए हो, मैं इन पत्थरों से तराशे हुए बुतों के सामने सर नहीं झुका सकता। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, आग में डाल दिया गया फिर निकले, फिर अल्लाह ने खुद भी बहुत आजमाया आपको। जब बच्चा 7 साल का हुआ अल्लाह ने कहा ज़बह कर दो, ले गए ज़बह करने के लिए। तो बड़ी कुर्बानियां जब दी हैं तो अल्लाह ने खुशखबरियां भी बहुत सुनाई। इसहाक अलैहिस्सलाम जो शाम में थे, फलस्तीन जो है वो भी किस में आता है? शाम में, जिस पर आज यहूदियों का कब्जा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक इसहाक और एक इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम की परवरिश कहां हुई है? अर्ज़े शाम में। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश कहां हुई है? मक्का में, ऐसी जमीन जहां घास का तिनका नहीं और पानी नहीं, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और उनकी वालदा हजरत हाजरा को लाके वहां छोड़ दिया। हजरत हाजरा की भी बड़ी कुर्बानी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी बड़ी कुर्बानी। वहां से फिर अल्लाह ने चश्मा निकाला और आज तक उस चश्मे से अरबों करोड़ों लोग सैराब हो चुके हैं, इतना पानी है कि इंसानी अकल हैरान है। और इधर जो अर्ज़े शाम में इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, ये भी पैगंबर, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी पैगंबर। तो पैगंबरों का पूरा सिलसिला। फिर इन्हीं की औलाद को, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, यहूदी भी कहा जाता है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे यहूदा, तो उनके फिर आगे नस्ल को क्या कहा जाने लगा? यहूदी।
तो ये जो यहूद को बनी इसराइल कुरान ने कहा है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का एक लकब क्या था? इसराइल। समझ रहे हैं यहां तक बात? आ गई समझ में? क्योंकि ये थोड़ी सी हिस्ट्री जहन में होगी ना, तो फिर कुरान समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में फिर यूसुफ, फिर आगे औलाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए थे मिस्र, अर्ज शाम से हिजरत करके कहां चले गए थे? मिस्र। क्यों चले गए थे? ये सवाल यहूदियों ने नबी से पूछा था, ये देखने के लिए कि आप सच्चे नबी हैं या माज अल्लाह झूठे नबी हैं। इसको कंट्रोल करो भाई आवाज को। तो ये देखने के लिए कि आप सच्चे नबी हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ यहूदियों को मालूम थी कि जो शाम में रहने वाले थे वो मिस्र कैसे चले गए भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे सूरह यूसुफ नाजिल हो गई और पूरा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। तो वो यही था कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने जेलिसी की वजह से कुएं में डाला, वहां से मिस्र का एक काफिला गुजर रहा था, वो लेकर चला गया, मिस्र के बाजारों में फरोख्त होते होते बादशाह के महल में पहुंचे और फिर जेल में पहुंचे। जेल से निकले तो ख्वाबों की ताबीर का फन था, वो बताते थे बादशाह का कुर्ब हासिल हुआ, बिल आखिर अल्लाह ने बादशाहत किसको अता कर दी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। लेकिन चूंकि रियासत गैर मुस्लिम थी और उसमें थे यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, तो ये बहुत बड़ा कबीला याकूब अलैहिस्सलाम का मिस्र मुंतकिल हो गया। जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला ना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह हैं, तो हजरत यूसुफ ने याकूब अलैहिस्सलाम को भी कहां बुला लिया? मिस्र में, क्योंकि वो गांव की देहाती जिंदगी में थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये शहर की जिंदगी है, तो अब्बा को कहां बुला लिया? इससे ये भी पता चलता है मेरे भाई कि बच्चा अगर किसी अच्छी जगह पे रहता हो तो अब्बा को भी बोलो ना भाई, अब्बा को वहीं पुराने इलाके में पड़े मत रहने दिया। आप रहते थे कहीं लियारी नदी के करीब, अल्लाह ने आपको पैसा दिया, डिफेंस चले गए, तो अब्बा को भी कहां बुला लो? डिफेंस बुला लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसे अब्बा को नहीं छोड़ा करो, ये पैगंबरों की सुन्नत है। कुरान के जो अल्फाज है ना उनमें बिला वजह तावील करना ये ठीक नहीं है। ये जो बाज हजरात ये भी कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आजर, वो वालिद नहीं थे चचा थे, ये भी कोई दलील नहीं है इस पर। जब कुरान बार बार कह रहे हैं अब्बा अब्बा अब्बा, तो इसका मतलब अब्बा थे, ठीक है ना। उसमें हम ऐसी रिवायात जो जिनकी सनद कभी ना कोई सर ना पैर कुरान के मुकाबले में, तो इमाम अबू हनीफा का मजहब यह है कि अगर सही हदीस भी आ जाए तो वो हदीस में तावील कर लेते हैं, कुरान की आयत को नहीं छोड़ते, क्योंकि कुरान कतई यकीनी चीज है। तो महज एहतमाल की बिना पर के अब्बा का इतलाक चूंकि चचा पर भी होता है, तो इसलिए यहां अब्बा से मुराद क्या है? चचा है। तो अब्बा तो भाई आप वैसे भी किसी बड़े आदमी को अब्बा कह देते हो मजाजन, तो होता है काफी नहीं है, यहां हुआ है कि नहीं हुआ? जब भी कोई लफ्ज जाहिर से हटकर किसी मजाजी माने की तरफ जाएगा तो मजाज की तरफ ले जाने के लिए करीने का होना जरूरी, और करीना भी बहुत मजबूत, क्योंकि आप कुरान को उसके जाहिर से फेर रहे हैं। तो इसलिए अब्बा ही है कुरान में जहां भी आता है अब्बा, और एक जगह थोड़ी है, कई जगहों पर है। तो क्या कह रहा था मैं? क्या? हां, मिस्र अब्बा को बुलाया उन्होंने, अपने वालिद मोहतरम को कहां बुलाया? मिस्र। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे कबीले, अपनी आल औलाद को लेके, अपनी बीवियों को लेके, अब बीवियां थी तो मैं क्या करूं भाई, एक नहीं थी उनकी, पैगंबर सब ज्यादा शादियां ही किया करते थे, सही है ना, मैं मजबूर हूं ये कहने पर, ठीक। वो एक आदमी ने चार शादियां की, पकड़ा गया, उससे पूछा शर्म नहीं आती? कह रहा यार मुसलमान हूं, बस गलती हो गई, माफ कर दो, ठीक है ना, मुसलमान हूं क्या करूं, गलती हो गई माफ कर दो। तो वो अपनी अजवाज को लेके, अपनी बहुएं बहुओं को लेके, अपने पोते नवासे, तो मुअर्रिखीन ने लिखा है 90 के करीब अफराद थे हजरत याकूब के खानदान के। पैगंबरों के खानदान बड़े हुआ करते हैं, क्योंकि बड़ा खानदान ये बरकत की अलामत है, छोटा खानदान ये बरकत की अलामत नहीं है। इस पर और दलाइल है, फिर वो फिर मौजू चेंज हो जाएगा। तो पूरे अफराद को लेके कहां शिफ्ट हो गए?
मिस्र, अपने बेटों को भी लेके जिन्होंने उनको कुएं में डाला था, वो सब कहां चले गए? मिस्र। तो यहां से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल औलाद थी वो कहां शिफ्ट हुई है? मिस्र में। जब मिस्र में शिफ्ट हुई है तो मिस्र में जब इनकी हुकूमत थी तो मामला सही चलता रहा, लेकिन मेजॉरिटी चूंकि गैर मुस्लिमों की थी तो कुछ वक्त के बाद जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता मामला मुसलमानों के हाथ से निकलना शुरू, क्योंकि आबादी की कसरत की एक बड़ी कीमत होती है। और फिर वो लोग जब हुकूमत में आए तो वो मुसलमानों से हसद करना उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे कि पूरी दुनिया में आज भी अक्सर इलाकों में मुसलमानों को पनपने नहीं दिया जाता। तो ये जो पैगंबर थे मानने वाले, एक तो इनमें अल्लाह ने नूर रखा होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे भी क्या हसीन, तो जाहिर है वो हुस्नो जमाल उनकी औलाद में गया, और मजहब था मजबूत, उसकी बुनियादें मजबूत थीं। जो गैर मुस्लिमों के जो मजाहिब हैं उनकी बुनियाद ही नहीं है, कोई कोई तालीमात ही नहीं है। तो जहां भी ऐसा होगा फौरन कंपटीशन शुरू। तो जो भी मिस्र में बादशाह आया करता था उसको फिरौन कहा जाता था, ये मिस्र के बादशाह का लकब होता था। तो बिल आखिर क्या हुआ, हुकूमतों ने मुसलमानों को दबाने के लिए उन पे जुल्म करना शुरू कर दिया, जो भी बनी इसराइल ईमान वाले लोग थे। और एक वक्त आया कि फिरौन के फिर हुकूमत आई, वो फिरौन जिसका कुरान में तस्किरा है, इसकी जब हुकूमत आई है तो इसने, जैसे आज बर्मा में हो रहा है ना, आप जाके देखें वहां रोहिंग्यान में क्या जुल्म हो रहा है, इस किस्म के मजालिम करना इसने शुरू कर दिए। और वो जुल्म और बर्बरियत का इसने मैदान गरम किया जिसका कुरान ने तस्करा किया, जिसको यहूद भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, ये तौरात में भी है, इंजील में भी है, कुरान में भी है, इस पर सब मुत्तफिक हैं। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बनी इसराइल में, और ये अब मूसा अलैहिस्सलाम तक तारीख आपकी समझ में आ गई ना, ये वाकया तो मैं बयान करूंगा बाद में, अभी तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बयान कर रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए फिर अल्लाह ने फिरौन का खात्मा किया। खात्मा तो हो गया मगर बनी इसराइल को हुकूमत नहीं मिली। तो फिर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि वो जो अर्ज मुकद्दस है ना, शाम की सरजमीन जहां से तुम्हारे अब्बा हिजरत करके मिस्र गए थे, वहां लड़ाई करो, जिहाद करो और उस जमीन पर कब्जा करो। बनी इसराइल चूंकि एक तवील अरसे से गुलाम बने हुए थे, लिहाजा उनकी समझ में ये चीजें नहीं है। जब आपकी सोच आली होती है तो बड़ी बड़ी चीजें सोचते हो, छोटी सोच होती है तो महदूद, कि बस हमें खाना मिल जाए, जैसे मैं कहता हूं ना, जो कहीं छोड़ो फिर ज्यादा अच्छा नहीं है। तो उनकी सोच क्या हो चुकी थी, महदूद, कम हिम्मती। गुलामी बहुत बड़ा अजाब है। हमारे जो हुक्मरान असेंबलियों में बैठे हुए हैं सब नहीं, ज्यादातर ये चूंकि अंग्रेजों के इनका जहन बन चुका है गुलामी वाला, ये वो सोच ही नहीं सकते जिसमें हमारी कौम का फायदा हो। ये सोचेंगे भी तो एक महदूद जहन के अंदर, ये उस खौल से बाहर निकलने के लिए तैयार है ही नहीं, ये उसी खौल में रहेंगे। खवातीन के हुकूक, बच्चों के हुकूक है भाई, और ये वही ना जो इनको उन्होंने सिखा दिए, वो हुकूक जो ओरिजिनल हुकूक हैं जो उलमा बताते हैं, उनकी तरफ ही आने के लिए तैयार होंगे ही नहीं। तो ये एक सोच हो जाती है ना, कमतर घटिया सोच बन जाती है इंसान की बूट पॉलिश कर करके। तो ये वो वही हो गए, इनसे अब आप ज्यादा खैर की तवक्को ना रखें। बस इतना हो कि कोशिश किया करें ऐसे लोगों को वोट दें जो थोड़ी सी मेंटल अप्रोच उनकी क्या है, जरा अच्छी है, कुछ क्रिएटिव सोच जिसे कहा जाता है। तो नतीजा क्या निकला कि फिरौन को अल्लाह ने गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अपनी कौम को हुक्म दें कि वापस कहां जाए, बैतुल मक़दिस। कौम में हिम्मत ही नहीं थी, वो गुलाम बूट पॉलिश कर करके बेचारे फिरौन के जो है ना, उनके जहन क्या हो चुके थे, छोटे हो चुके। उन्होंने कहा है मूसा हम नहीं जाते। अल्लाह को बड़ा गुस्सा आया और फिर उन पर सजा मिली कि इसी मैदान में घूमते रहो। वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, और फिर उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी आए जिसका कुरान में तस्किरा है, फिर उन नबी की मईयत में इन्होंने जिहाद किया। थोड़े से लोगों ने किया, बाकी सारे फरार हो गए। तो वो जिन थोड़े से लोग थे उनमें दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, नहीं आ रही बात, वो जो थोड़े से लोग थे उनमें दाऊद अलैहिस्सलाम जो पैगंबर उस वक्त तक नहीं बने थे,
ज्यादातर लोग पतली गली से निकल के भाग गए, ठीक है ना। थोड़े से लोग थे ईमान वाले, वो पैगंबर के साथ डट गए, क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर था जिसका नाम था जालूत, और मुसलमानों के कमांडर का नाम था तालूत। तो तालूत का मुकाबला हुआ किससे? जालूत से। और इसी तालूत की फौज में, इन्हीं तालूत की फौज में दाऊद भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इतनी बहादुरी से लड़ाई की है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया? जालूत को। अल्लाह ताला ने हुकूमत भी दी, क्योंकि हुकूमत का अहल ऐसे ही लोग हुआ करते हैं, जो ऐसे बहादुर हों और ऐसे माहिर हों, वही फिर कौम को गाइड कर सकते हैं।